बहराइच जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा रविवार को कलेक्ट्रेट से मोबाइल वेटरनरी यूनिट वाहन को हरी छुट्टी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज मोबाइल वेटरनरी यूनिट का शुभारंभ किया। इसी कड़ी में चतुर्थ बहराइच में भी मोबाइल वेटरनरी यूनिट के दो वाहन बहराइच पहुंचे, जो की आधुनिक सेवाओं से रायसेन सरकार द्वारा इनमें 1962 टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। इस वाहन का मुख्य उद्देश्य गौवंश को उपचार दिलाना। जनपद में अभी 6 वाहन और आने बाकी हैं। इस वाहन में गौवंश संबंधित दवाइयां भी उपलब्ध। इस कार्यक्रम में उनके साथ जिले के सभी भाजपा विधायक मौजूद रहे। बहराइच से ब्यूरो चीफ कुतुबुद्दीन सारी की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? इसका उद्देश्य जैसे अपने स्वास्थ्य विभाग में 108 एम्बुलेंस है, जैसे ही 108 कॉल किया जाता है वैसे एम्बुलेंस आपको लेने के लिए पहुँच जाती है। लेकिन ये हमारी गाड़ी ऐसी है, पशुधन विभाग की 1962 इसका नंबर है। 1962 पे आप कॉल करेंगे, हमारा गोवंश या कोई भी पशु बीमार होगा तो ये डॉक्टर के साथ में आपके द्वार पर जाएगी और उनका समुचित इलाज करके फिर वापस आएगी। सरकार ने आपके द्वार का पशुओं की चिकित्सा के लिए आपके द्वार पर ही चिकित्सा होगी, ऐसी व्यवस्था की है योगी आदित्यनाथ जी ने और मोदी जी ने। दो वाहन आ चुके हैं, 6 वाहन और आने हैं, 8 वाहन बहराइच जनपद के लिए ऐसे सचल वाहन के लिए। प्रदेश में पशुओं के उपचार को उनके द्वार तक पहुंचाने के लिए ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट का शुभारम्भ किया है और जनपद बहराइच में भी हमारे जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी हैं, श्री राम निवास वर्मा जी हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, सीडीओ साहब, की पूरी वैन ऐसी है जिसमें सभी दवाइयाँ रहेंगी और साथ ही ये नंबर दिया है टोल फ्री नंबर 1962, इसको अगर कोई भी करेगा डायल और जहाँ भी उपचार के लिए सतर्क हो जाएगी। इस प्रकार से हमारी 102 नंबर है, 112 नंबर, तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कदम है पशुओं के उपचार के लिए और मैं आशा करता हूँ कि इससे हमारे पशुओं के इलाज में बहुत ही देखिए। हाँ जल्दी आपके आओ। धन्यवाद।